अफगानिस्तान में औरतों के बद से बदतर दिन वापस आ गए हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको किसी महिला को चौराहे पर बुरी तरह मारते हुए कोई वीडियो दिखता है तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि अफगानिस्तान में अब दोबारा तालिबान राज वापस आ गया है और उसके साथ ही वापस आ गया है तालिबान का वो कट्टर शरिया कानून जो शायद औरतों को इंसान समझता ही नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान के जिन जिन इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है वहां महिलाओं के लिए कट्टर तालिबानी कानून को लागू किया जा रहा है। शहर भर में पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, मस्जिदों से लाउडस्पीकर से ऐलान किया जा रहा है कि अब से सभी को तालिबानी कानून मानना होगा। इस बेरहम तालिबानी कानून के तहत कोई भी महिला अकेले बाजार नहीं जा सकेगी, उसके साथ घर के किसी मर्द का होना जरूरी है। अगर महिला दुकान पर कोई सामान लेने अकेले किसी मर्द के बिना चली गई है तो दुकानदार उसे सामान नहीं देगा। इसके अलावा लड़कियों का स्कूल जाना तक बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद करने से न केवल उनकी आजादी छीन ली गई है बल्कि सपने देखने का हक भी उनसे ले लिया गया है। ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं कि तालिबान ने यह ऐलान किया है कि सभी लोगों को अपनी बेटियों की शादी तालिबानी लड़ाकों से करनी होगी। विधवा औरतों की भी तालिबानी लड़ाकों से शादी करवाने का फरमान सुनाया गया है। तालिबान कल्चरल कमीशन के नाम से निकाली गई एक चिट्ठी में कहा गया है कि जिन इलाकों में तालिबान का कब्जा हो गया है वहां के मौलवी 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवा औरतों की एक सूची तालिबान को दे और इन सभी की शादी तालिबान के लड़ाकों से ही की जाए। इसके अलावा महिलाओं को सर से पैर तक खुद को ढकना अनिवार्य है। महिलाओं और बच्चियों का पर्दा करना बेहद जरूरी है। महिलाओं का नौकरी करना तो सख्त मना है। तालिबान के ये कट्टर कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, औरतों को बेजान समझने वाले तालिबान ने एक दो कानून मर्दों के लिए भी बनाए हैं, जैसे कि मर्दों को दाढ़ी नहीं काटने का आदेश दिया गया है। सभी मर्दों को पगड़ी पहनना भी जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें हैं कि नए तालिबानी कानून के तहत कि चोरी करने पर हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। समलैंगिकता को अपराध मानते हुए आरोपित मर्द को दीवार से नीचे गिराकर मार डाला जाएगा। पुरुषों के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े जाने पर पिटाई का आदेश दिया गया है। कब्जे वाले इलाकों में लोगों को रात के बाद बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया गया है। जितने सख्त ये नियम कानून है उससे भी ज्यादा सख्त इन कानूनों को तोड़ने की सजा है। किसी भी नियम को तोड़ने पर पत्थर से मारकर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। ये हालात तब हैं जब तालिबान ने कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार वे ज्यादा कट्टर नहीं होंगे और सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कानून के आधार पर। तालिबान का यह नया वर्जन अफगानिस्तान के लोगों, खासतौर पर महिलाओं के लिए कड़वी यादों और अंधकार से भरे वर्तमान के अलावा और कुछ नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान की ताकत जिस हिसाब से बढ़ी है उससे तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तालिबान का राज होगा।